Welcome to the e-learning session regarding CT commissioning techniques. हम आपको e-learning session में खुशामदीद कहते हैं और ये session होगा current transformer की commissioning techniques के मुतालिक. मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है और मैं अपना little introduction दूंगा start में. मैं deputy general manager network design and protection हूँ. मेरा तकरीबन 18 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर लेस्को से, देन आई मूव ऑन टू NTTC, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी. उसमें मैंने वेरियस सर्विसेज रही और उसके बाद मैं सेमी सऊदी चला गया, सऊदी अरेबिया. वहाँ ऑलमोस्ट 10 ईयर सर्व किया और डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया सिमिस में रहते हुए, जस्ट लाइक आरामको, साबिक सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, मराफिक और भी रॉयल कमीशन, डिफरेंट कंपनीज से अच्छा एक्सपोजर मिला. फिर पाकिस्तान आके मैंने OMS ETCS एक लोकल कंसल्टेंसी एंड कमीशनिंग ग्रुप को ज्वाइन किया और वेरियस प्रोजेक्ट्स किए. मेरा जो बैकग्राउंड वो मेनली प्रोडक्शन कमीशनिंग से मुतालिक है. सो इस ट्रेनिंग में हम जो है बेसिकली CT कमीशनिंग की टेक्निक्स सीखेंगे. कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि अभी इम्प्लीमेंट हुई हैं कि इलेक्ट्रिक में लोग उसको इस्तेमाल करते हैं. हम देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड क्या डिफरेंट टेक्निक्स हैं और हर टेक्निक का अपना एक एडवांटेज है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं और हेल्दीनेस को चेक कर सकते हैं. करंट ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली आप दो तरीकों से कमीशन करते हैं. एक कि आपका पूरा नया पैनल आया है उसके अंदर एक नया ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और एक ये कि कोई सीटी आपने अपग्रेड करना है या डैमेज सीटी को रिप्लेस करके नया सीटी लगाना है. ये जो आपका ई रनिंग सेशन है ये दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा. जब सीटी फैक्ट्री से आते हैं या पैनल फैक्ट्री से साइट पर डिलीवर होता है तो फैक्ट्री बेसिकली इसको एज पर द प्रोसीजर एक्सेप्टेंस टेस्ट किया जाता है उसका. That's called as FAT, factory acceptance test. साइट पे डिलीवरी के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सर्किट को उसको चेक ना करें, सीटी को चेक ना करें, और रिले में हम ये ना चेक करें कि एनर्जाइजेशन के बाद कि वो करंट रीड कर रही है नहीं कर रही है. तो इस ट्रेनिंग में हम डिफरेंट टेक्निक्स सीखेंगे, प्रोसीजर्स हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसीजर्स हैं जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और हम सीखेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं डिफरेंट कमीशनिंग्स के. कमीशनिंग बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी कहलाती है कि जो कि डेड और आइसोलेटेड सिस्टम में की जाती है, और आपका नया पैनल आया है, नया सीटी आया है और आप उसका एनर्जाइज करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप उसको ऑब्वियसली अनएनर्जाइज पोजिशन में, आइसोलेटेड पोजिशन में मेक श्योर करेंगे कि पैनल आइसोलेशन एज पर के स्टैंडर्ड है, के ई एस ओ पीस है और तमाम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया गया है. और जब ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे फिर ऑब्वियसली यू विल गो फॉर एनर्जाइजेशन. तो बहुत अच्छा सेशन होगा इंशाल्लाह, एंड वी विल बी लर्निंग टुगेदर. थैंक यू वेरी मच. वेलकम बैक. इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे करंट ट्रांसफार्मर की थ्योरी. आप इस स्लाइड में देख सकते हैं हेयर इस पिक्चर में कि ये बेसिकली करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल है. प्राइमरी करंट वो करंट होता है जो कि कंडक्टर से गुजरता है, और सेकेंडरी करंट हम उसको कहते हैं जो कि करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग्स में से गुजरता है. सो इस एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि ये 1600/1 एम्पियर का सीटी है, यानी अगर प्राइमरी साइड पर 1600 एम्पियर करंट गुजरेगा तो सेकेंडरी साइड पर 1 एम्पियर करंट होगा. तो बेसिकली करंट ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन कर रहा है करंट को, और इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आप 1600 एम्पियर की सीटी रिले बनाना चाहेंगे तो इट्स वे टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगी बनेगी और उसकी उसका साइज बहुत बड़ा होगा. सेकेंडली आल्सो वोल्टेजेस आइसोलेशन भी आपको मिल रही है. सीटीज 11 kV पे लगे होते हैं, 132 kV पे लगे होते हैं, तो सीटी सेकेंडरी बेसिकली लो वोल्टेज सर्किट होता है. तो
ये बेसिकली सिंबल है, और ये दो टर्मिनोलॉजीज है जो कि हम यूज करते हैं एज अ कमीशनिंग प्रोटेक्शन इंजीनियर्स, द प्राइमरी करंट, द सेकेंडरी करंट, द प्राइमरी साइड एंड द सेकेंडरी साइड। तो अगर 1600/1 एम्पेयर का सीटी है और अगर 800 एम्पेयर फ्लो कर रहा है तो सेकेंडरी साइड पे 0.5 एम्प्स फ्लो करेगा। तो एक खास रेशियो जो है वो करंट ट्रांसफार्मर मेंटेन करता है हमेशा। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। करंट ट्रांसफार्मर्स नॉर्मली जो कि वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं और यूज किए जाते हैं, वो दो डिफरेंट सेकेंडरी करंट्स रेटेड करंट्स हमें मिलते हैं। एक एक करंट ट्रांसफार्मर वो होता है जो कि 5 एम्पेयर सेकेंडरी करंट के हिसाब से डिजाइन होता है, और यानी उसका जो रेटेड करंट है करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का, वो 5 एम्पेयर होता है। और जो दूसरा टाइप है उसमें जो करंट ट्रांसफार्मर है वो 1 एम्पेयर के हिसाब से डिजाइन होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये दो डिफरेंट सीटीज रेशोज हैं। एक का प्राइमरी करंट 300 है और सेकेंडरी रेटेड करंट 5 एम्पियर है, और दूसरे का 300 प्राइमरी है, सेम है लेकिन सेकेंडरी रेटेड 1 एम्पियर है। तो प्राइमरी साइड करंट दोनों का सेम है, सेकेंडरी साइड का जो करंट है दोनों का डिफरेंट है। आप ये देख सकते हैं कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे यू विल गेट 60 आपके पास आंसर आएगा, और यहाँ आपके पास आंसर आएगा 300। तो सी टी रेशियो की जब बात होगी तो हम ये कह सकते हैं कि इसका सी टी रेशियो 60 है और इसका 300 है। ओके, द नेक्स्ट थिंग हम स्टडी करेंगे जो करंट ट्रांसफार्मर है, बेसिकली जस्ट लाइक अ नॉर्मल ट्रांसफार्मर, किसी भी आम ट्रांसफार्मर की तरह जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो बिल्कुल आम ट्रांसफार्मर की तरह है। जैसे हमें मालूम है कि इसकी इक्वेशन है NP इन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू IS सेकेंडरी करंट डिवाइडेड बाय IP द प्राइमरी करंट। तो आप इसको रीशफल करें तो आप सेकेंडरी करंट आप निकाल सकते हैं जो कि बराबर है प्राइमरी करंट के इनटू नंबर ऑफ टर्न एट द प्राइमरी साइड NP और नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी साइड पे हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड पे आप इंक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हैं सेकेंडरी करंट इंक्रीज होगा, और अगर आप नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी साइड पे इंक्रीज करेंगे तो सेकेंडरी करंट आपका कम होता जाएगा। तो कैसे किसी भी कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर्स की तरह सेम जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो एप्लीकेबल है करंट ट्रांसफॉर्मर्स के लिए भी। करंट ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली आर जो मोस्टली यूज होते हैं वो स्टेप डाउन के लिए यूज होते हैं, यानी आपका ज्यादा करंट जो कि कम करते हैं। लेकिन एक ऐसा एग्जांपल भी है जो मैंने देखा है फील्ड में, जहां हमने करंट ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप के लिए भी यूज किया। हमने करंट को स्टेप अप किया 0.5 to 1 एम्प्स, क्योंकि जो प्रोडक्शन सीटी इंस्टॉल था दैट वाज इंस्टॉल्ड जो ऑन द लीकेज करंट मॉनिटरिंग, जो कि बहुत कम होता है, लीकेज करंट बहुत कम था उसकी मॉनिटरिंग के लिए इंस्टॉल था, तो उसको स्टेप अप किया गया ताकि रिले की सेंसिंग बेहतर हो सके। तो ये भी एक एग्जांपल है, आप मद्देनजर रख सकते हैं। लेकिन करंट ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल वही है जो कि एक ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल होता है। अब ये देख सकते हैं ये एग्जांपल जिसके अंदर 300/5 ये एक रेशो है, और ये जो करंट गुजर रहा है यू कैन सी दिस इज ये कंडक्टर जो है इस सीटी से पास हो रहा है, और ये सीटी की कोर है। ठीक है, आपने एक नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी पे इंक्रीज कर दिया, रेशियो आप देखें वो 150/5 का हो गया, एक टर्न आपने और इंक्रीज किया तो रेशियो 100/5 का हो गया। तो सीटी जो रेशियो है वो दो डिफरेंट तरीकों से चेंज होता है, जो हम फील्ड में डिफरेंट किस्म के सीटीज आते हैं। एक वो होते हैं जिनमें सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स को हम चेंज करते हैं, और एक में हम प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करते हैं। मैंने दोनों ही किस्म के सीटीज देखे हैं। हमारे पास के इलेक्ट्रिक में जो सीटीज अवेलेबल है वो मोस्टली सिंगल टैप या सिंगल रेशियो सीटीज हैं, कहीं कहीं मल्टी रेशियो सीटीज भी मिलते हैं, लेकिन उसमें सीटी सिलेक्शन और नंबर ऑफ टेप्स और ट्रंस की सिलेक्शन जो है वो सेकेंडरी साइड पे की जाती है। ये हम एक एग्जांपल देख लेते हैं मल्टी रेशियो। एग्जांपल्स है मल्टी रेशियो सीटीज की। तो हमें ये ख्याल करना पड़ेगा कि हम एट अ टाइम हम सिर्फ एक टैब सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो हम टैब सेलेक्ट करेंगे उसके अलावा जो टैब्स अनयूज टैब्स हैं वो दे विल रिमेन अनकनेक्टेड, सो हम उनको कनेक्ट या शॉर्ट नहीं करेंगे।
और टैप्स के इलेक्ट्रिक सिस्टम में जो मल्टी रेशो सीरीज हैं या जो अब डेवलप की जा रहे हैं, वो सेकेंडरी साइड पे ही टैप्स अवेलेबल रहेंगी। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे स्टडी करने के लिए कि करंट ट्रांसफार्मर्स के सिंबल्स क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच।